एपिसोड की शुरुआत में यांग माई की हालत देखकर पिन से कहता है, हमें इसे जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसकी हालत में तो कोई भी सुधार नहीं है। पिन उससे पूछती है, ये लड़की है कौन? तो यांग कहता है, मैं भी नहीं जानता, मैंने इसे माँ के घर पर कैद देखा था। पिन कहती है, अगर माँ को पता चला कि तुमने इस लड़की की मदद की है तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे ना? यांग कहता है, हाँ, इसलिए हमें कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम इस लड़की को छुपा सकें। पिन कहती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इसका ख्याल रखूंगी। यांग कहता है, थैंक यू सो मच, तब तक मुझे पता लगाना होगा कि ये लड़की है कौन। माँ फू से पूछताछ कर रहा था कि आखिरकार माय को कौन लेके चला गया, पर फू उससे कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। गुई फू पर हाथ उठा देता है जिससे फू बेहोश हो जाता है। माँ उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा, ये मर भी सकता है। तो गुई कहता है, ये बस बेहोश हुआ है। माँ कहता है, अब हमें कौन बताएगा कि उस लड़की को कौन लेकर गया है। तो गुई कहता है, उस जगह केवल चान और उसका बेटा था, कहीं उन दोनों में से तो किसी ने मदद नहीं की है ना। माँ कहता है, चान उन लोगों में से नहीं है जो कमजोर लोगों की मदद करे, मुझे तो लग रहा है कि शायद इसमें बिग ब्रदर ही शामिल है। गुई कहता है, अगर ऐसा है और अगर बिग ब्रदर को पता चल गया कि जियो को आपने वहाँ किस लिए भेजा था तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ अगर जियो को भी पता चला कि उसकी सिस्टर अब हमारे पास नहीं है तो वो भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। जियो जब घर आता है तो वो देखता है टियन सफाई में लगा हुआ था। जियो उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो टियन कहता है, मैंने सोचा थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। जियो कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो टियन कहता है, मुझे पता है कि मैंने आज तक ये सब कभी नहीं किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं सफाई कर सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, बर्तन भी वॉश कर सकता हूँ, ये सब मुझे आता है। जियो से देखकर हंसने लगता है। तो टियन कहता है, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जियो कहता है, मैं हंस नहीं रहा हूँ, पर तुम सच में ये सब नहीं कर सकते, तुमने अपना पूरा फेस डर्टी कर लिया है। ऐसा कहकर वो उसके फेस से डर्ट साफ करने लगता है। अब वो उसे खाना खाने के लिए कहता है। टियन कहता है, शायद हमें थोड़ा सा ड्राइड फूड खरीद कर रख लेना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें खाना लेने के लिए बार बार घर से बाहर जाना पड़े, क्योंकि मेरे डैड के आदमी बाहर घूम रहे होंगे जो तुम्हें देख सकते हैं। अब टियन हैंड वॉश करने के लिए उठकर जाने लगता है तो जी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है। टियन अब उससे कहता है, वैसे ये घर उतना भी छोटा नहीं है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम माई और फू को भी यहाँ ले आए, वो दोनों भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। जियो कहता है, हाँ उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगेगा। टियन, जब तक तुम्हारा घर वापस जाने का मन नहीं कर रहा हम उस समय तक के लिए यहाँ रह सकते हैं, मैं शुगर कैंडी सेल करने का काम फिर से शुरू कर दूंगा और जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे हम दूसरी जगह जाकर रहने लगेंगे, हम कोई ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर हमें कोई भी ना जानता हो, सिर्फ हम साथ साथ रहेंगे। तो टियन कहता है, थैंक यू सो मच जियो, मुझे अपनी इस फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से मैं मिला और तुमसे प्यार किया। जियो कहता है, टियन शायद मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, अगर तुम्हें किसी दिन मेरे बारे में कुछ गलत पता चले तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगे टियन। टियन उससे कहता है, तुम अचानक से ये सब क्यों कह रहे हो। जियो उसका कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बाहर जाकर वो सोचने लगता है कि एक दिन टियन को सच पता चल गया तो वो क्या सोचेगा। बुआ सॉन्ग से पूछ रही थी, आज आप माँ से मिलने के लिए गए थे ना, आपको क्या पता चला। तो सॉन्ग कहता है, मुझे लगता है कि उसे सच में नहीं पता टियन और जियो कहाँ हैं, पर जियो उसका ही भेजा हुआ आदमी है, अगर उसे पता होता कि टियन कहाँ है तो वो टियन का फ़ायदा उठाकर हमें धमकी देता। बुआ कहती है, मुझे टियन की परवाह हो रही है, वो इस वक्त कैसा होगा, आपने अपने लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा था ना, कि अभी तक कुछ पता नहीं चला है। टियन को लेकर मैडम ली की भी बहुत बुरी हालत हो रही होगी। सॉन्ग कहता है, पता नहीं बुआ, जितना ज़्यादा मैं इस बारे में सोचता हूँ उतना ज़्यादा ही मुझे स्ट्रेंज फील होता है, अगर टियन का गायब होना सच में जियो की वजह से ही हुआ है तो ली ने क्यों सारे वर्कर्स को पीछे जाकर काम करने के लिए कहा था, जबकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अगर चान ने वर्कर्स को ऐसा कोई ऑर्डर दिया होता तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता। बुआ कहती है, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। सॉन्ग कहता है, हाँ समझ नहीं आ रहा कि ये सबके पीछे है कौन। यांग चान को अपने रूम में लेकर आता है तो चान उससे कहती है, तुम मुझे अपने रूम में क्यों लाए हो। यांग कहता है, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस चाहिए। चान कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं बस वहाँ शॉपिंग करने के लिए गई थी, मैं माँ के घर के पास से होकर गुजर रही थी इसलिए मैंने सोचा उसे विजिट कर लेती हूँ। यांग कहता है, प्लीज़ माँ अब तो मुझे सच बता दीजिए। तो चान कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे इतना पता था कि माँ ने यहाँ टियन को हर्ट करने के लिए किसी को भेजा है, पर वो जियो है इस बारे में मुझे नहीं पता था। वो सारी बातें बाहर खड़ी जिया सुन लेती है और वो तुरंत जाकर ली को बताती है।
ली कहती है इसका मतलब जियो ये सारे समय टियन का भरोसा पाने की कोशिश कर रहा था। पहले वो टियन से मिला, उसकी जान बचाई और उससे जॉब के लिए पूछा, सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। जिया कहती है पता नहीं वो मिस्टर टियन को कहाँ लेकर गया है, पर उसे मिस्टर टियन का सच भी पता है। ली कहती है पहले हमें टियन और जियो को ढूंढना होगा, उसके बाद हम ये सब का ब्लेम तो माँ और जान पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें जियो को जान से मारना होगा जिससे वो टियन का सीक्रेट कभी किसी को न बता सके। अब जिया फिर से उन बीटल्स का इस्तेमाल करके बीटल ऑर्किड्स बना लेती है और ली से कहती है जल्दी हमारे पास जियो से छुटकारा पाने के लिए बीटल ऑर्किड्स तैयार हो जाएंगे। माई को चेक करने के बाद डॉक्टर पिन से कहते हैं इस लड़की की हालत बहुत खराब है। पिन ये बात यांग को बताती है। यांग कहता है पता नहीं चल रहा है कि जियो कहाँ है और उसने टियन के साथ क्या किया होगा। वर्कर्स ने जियो का पुराना घर देखा पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला है। जियो मार्केट आया हुआ था टियन के लिए कुछ लेने के लिए। तभी उसकी नजर लकड़ी से बने हुए एक फ्लावर पर पड़ती है जो वो उसे टियन के लिए रख लेता है। उसी मार्केट में पाओ टियन और जियो की फोटोग्राफ लेकर ढूंढ रहा था और उनके बारे में पूछताछ कर रहा था, पर किसी ने भी उन दोनों को नहीं देखा था। जियो की नजर जब पाओ पर पड़ती है वो तुरंत वहां से छुप जाता है, पर पाओ उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। पाओ के लोग जियो को पकड़ लेते हैं। पाओ से पूछता है टियन कहाँ है और तुमने उसका क्या हाल किया, तो जियो कहता है आप मिस्टर सॉन्ग से कह देना कि टियन बिल्कुल सेफ है। वो लोग जियो पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। जियो तभी अपना हथियार निकालता है और पाओ को पकड़ लेता है। वो लोगों से कहता है कोई भी मेरे नजदीक मत आना वरना मैं पाओ को जान से मार दूंगा। वो पाओ को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। जियो जब वापस आता है तो टियन उसके हाथ पर चोट देखता है। टियन उससे कहता है ये सब किसने किया, तो बाओ कहता है तुम्हारे फादर के आदमी मार्केट में घूम रहे हैं, उन लोगों ने ही ये किया है। टियन को बहुत बुरा लगता है, वो जियो की चोट पर पट्टी करने लगता है। टियन उससे कहता है फादर ने इस तरह अपने लोगों को तुम्हारे पीछे भेजा और उन्होंने तुम पर हमला भी कर दिया, शायद मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। जियो कहता है मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना तुम्हारे लिए, मुझे माफ़ कर दो टियन कि मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, पर अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखने की, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। जियो बहुत ज़्यादा सैड दिखने लगता है तो टियन कहता है जियो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं बस घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। आज मेरे फादर ने अपने लोगों को भेजा तुम्हें हर्ट करने के लिए, कल को वो किसी को तुम्हें जान से मारने के लिए भी भेज सकते हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। जियो कहता है मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम मेरी परवाह मत करो। पाओ घर जाकर सॉन्ग को सारी बातें बताता है और उससे कहता है मैं श्योर हूँ कि टियन जियो के पास ही है, मैंने एक नूडल्स शॉप से पूछा था, जियो वहाँ नूडल्स लेने के लिए आया था और उसने 2 पैकेट्स लिए थे। सॉन्ग कहता है ये जियो के दिमाग में चल क्या रहा है, उसने टियन का किडनैप किया पर वो उसे माँ के पास नहीं लेकर गया। ली कहती है हो सकता है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो, वो मेरे बेटे को हर्ट करना चाहता हो। नुएन ये सारी बातें सुन लेती है और चान को जाकर बताती है। चान कहती है उन लोगों को जियो का पता चल गया है, तो नुएन कहती है हाँ, और मैडम ली को शक हो रहा है कि शायद जियो ने टियन को अपने पास पूछताछ के लिए रखा हुआ है। चान कहती है पर जियो ऐसा क्यों करेगा, और जियो को अगर पैसे चाहिए तो वो टियन की किडनैपिंग के लिए मिस्टर सॉन्ग से पैसे भी तो मांग सकता है, उसके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है। नुएन कहती है मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या है, अगर एक लड़का और एक लड़की होते और वो इस तरह भागे होते तो कहा जा सकता था कि वो दोनों भाग गए हैं, पर वो दोनों तो लड़के हैं। ली सॉन्ग से कहती है मुझे लगता है कि मेरे बेटे की किडनैपिंग में चान जरूर शामिल है, मैं एक आदमी को जानती हूँ जिसने चान को मिस्टर मा और जीव से बात करते हुए देखा था, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे यहाँ बुलाऊं। तो सॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल यहाँ बुलाओ, पर अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ कि वो आदमी झूठी स्टोरी बना रहा है तो मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा। ली कहती है अगर आपको इस बात का डर है तो हमें पहले जियो से ही मिलना चाहिए। सॉन्ग को डॉक्टर जी का खत मिलता है। डॉक्टर जी ने फाइनली पता लगा लिया था कि डोंग की मौत में बीटल ऑर्किड्स का ही इस्तेमाल किया गया था। वो सॉन्ग को लिखते हैं मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये बीटल ऑर्किड्स जिया ने ही बनाए हैं, वहाँ आकर मैं ये डेफिनेटली प्रूफ कर दूंगा कि या तो मैडम ली या फिर जिया ने इन बीटल ऑर्किड्स का इस्तेमाल करके डोंग की जान ली है। कल शाम को मैं आ रहा हूँ। ये खत पढ़ते ही सॉन्ग वो खत बाओ को दे देता है और बाओ उसे बाहर जाकर जला देता है, पर उसे ऐसा करते हुए ली देख लेती है और उस खत को देख लेती है। ली ने खत में पढ़ लिया था कि डॉक्टर जी को पता चल गया है कि उसका या फिर जिया का इस कत्ल में हाथ है। ली जब उस खत को पढ़ लेती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ जिया उसे बताती है बीटल ऑर्किड्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं मैडम।
जैसे ही आप जीव से मिलती हैं, इनके इस्तेमाल से आप उसे तुरंत जान से मार सकती हैं। अगले दिन जिया देखती है कि उसके बीटल ऑर्किड्स गायब हो गए थे। उसने अपने घर के पास से नुहन को गुजरते हुए देखा था, इसलिए उसे उस पर शक होने लगता है। वो उससे कहती है, तुमने मेरा सामान चुराया है। तभी चान और बुआ भी वहां आ जाते हैं। नुहन कहती है, मैंने कुछ नहीं चुराया है। बुआ और चान उससे पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या सामान उसका चोरी हो गया है जिसके लिए वो इतनी ज्यादा परेशान है। पर जिया कहती है, हो सकता है मैंने कहीं और रख दिया हो। अगर नुहन कह रही है उसने नहीं चुराया, तो उसने नहीं चुराया होगा। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अगले दिन ली डॉक्टर जी से अकेले मिलने के लिए आती है और उनसे कहती है, जिया को ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना था। डॉक्टर जी उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ जान से मारने के लिए आई हो? क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई मिस्टर सॉन्ग को बता देने वाला हूँ कि उस आदमी को किस तरह तुमने और जिया ने मिलकर मारा है। ली कहती है, मैं जानती हूँ हमने गलत किया है, पर जिस इंसान को मैंने और जिया ने मारा है वो बहुत ईविल था, वो जीने के लायक नहीं था। तभी डॉक्टर जी कहता है, चाहे वो अच्छा था या नहीं था, पर तुम्हारे पास कोई हक नहीं है उसकी जान ले लेने का। ली कहती है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर वो मेरे बेटे का सीक्रेट जान गया था और सबको बताना चाहता था। डॉक्टर जी कहते हैं, तुम्हें अपने बेटे का सीक्रेट पता है, तुम फिर भी प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम मिस्टर सॉन्ग के साथ शेयर क्यों नहीं करती थी? उन्हें भी जानने का हक है। तो ली कहती है, मैं नहीं कर सकती, अगर डियन का सीक्रेट सबके सामने आ गया तो उसे प्रेशराइज किया जाएगा, जैसा कि पास्ट में हुआ था मिस्टर झांग के साथ, कहीं मेरा बेटा भी सुसाइड ना कर ले। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के बाद मैं ओर्डेंड करवा लूंगी, अपने गुनाहों का पश्चाताप करूंगी, और अगर ये भी काफी नहीं है तो मैं सुसाइड भी कर लूंगी। डॉक्टर जी कहता है, सॉरी पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ये सब करने से उन लोगों की जिंदगी तो वापस नहीं आएगी ना जिनकी जान आप ले चुके हैं। ली कहती है, आप सही कह रहे हैं, मुझे कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का, पर एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे इसके लिए उसे नरक ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसा कहकर वो ऑर्किड बीटल्स निकालती है और डॉक्टर ची के ऊपर डाल देती है। डॉक्टर ची की जान चली जाती है। अब ली उनकी लाश को ले जाकर पानी में फेंक देती है। जाते जाते वो डॉक्टर जी की माला अपने साथ ले आती है। जब वो वापस आती है तो जिया उससे कहती है, मैडम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरे बीटल ऑर्किड्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कौन उन्हें ले गया है। तभी ली अपने पास से बीटल ऑर्किड्स का बॉक्स जिया को देती है। जिया देखती है कि वो खाली हो चुका था। वो उससे पूछती है, आपने ये किस पर यूज किए? तो ली कहती है, मुझे माफ कर दो जिया, मुझे खबर मिली थी कि डॉक्टर जी आज शाम तक वापस आने वाले हैं, मैं बहुत डर गई थी। जिया रोते हुए कहती है, प्लीज कह दीजिए कि ये सच नहीं है। ली कहती है, यही सच है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, उन्हें पता चल गया था कि हमने किसी की जान ली है और वो मिस्टर सॉन्ग को बताना चाहते थे। ऐसा कहकर वो डॉक्टर जी की माला निकालकर जिया को दे देती है। जिया बुरी तरह रोने लगती है। ली उससे कहती है, मुझे माफ कर दो जिया, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तुम चाहो तो मुझसे जिंदगी भर नफरत कर सकती हो, मेरी जान ले सकती हो। जिया उससे कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो इस किस्मत से नाराज हूँ, क्यों मिस्टर टियन जैसे इतने अच्छे इंसान बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं रह सकते, वरना उनका सीक्रेट छुपाए रखने के लिए मुझे किसी को भी जान से नहीं मारना पड़ता। जिया बुरी तरह रोने लगती है और ली उसे संभालती है, और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था गाइस। जिया की एक्टिंग यहाँ बहुत अच्छी थी। जिया अब डॉक्टर ची की माला ले जाकर उनकी आत्मा के लिए प्रे कर रही होती है। वो कहती है, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही मिस्टर टियन लीडर बन जाएंगे मैं इस नाइफ से अपनी जान ले लूंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग परेशान था कि डॉक्टर जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। वो बाहु से कहता है, हमारे बॉडीगार्ड्स को डॉक्टर जी के बारे में पता लगाने के लिए कहो। बाहु कहता है, मैं उनके बारे में पता लगा लूंगा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। सॉन्ग कहता है, मुझे मरने से अब डर नहीं लगता बाहु, मुझे तो जिंदा रहने से, लोगों के बीच में रहने से ज्यादा डर लगता है, पता नहीं मेरा बेटा टियन कहाँ होगा और कैसा होगा। रात के समय ली बुद्धा की प्रेयर करने के लिए आई हुई थी। सॉन्ग उसे देख लेता है और उससे कहता है, तुम इस समय प्रेयर क्यों कर रही हो, तुम यूजुअली तो ये कभी नहीं करती। तो ली रोते हुए कहती है, मैं बुद्धा की प्रे करूं, मैं बाहर जाऊं, अब आपको मेरी हर हरकतों पर शक है ना, मेरा बेटा मिसिंग है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या मैं उसके लिए प्रे करने के लिए भी नहीं आ सकती? इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तो सॉन्ग कहता है, तुमने सही कहा, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, पहले हम दोनों साथ में सब कुछ डिस्कस किया करते थे, वर्क के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। सॉन्ग भी बुद्धा के सामने जाकर बैठ जाता है और प्रे करने लगता है। ली उसे देखकर रो रही थी।
जू डियन को अपनी माता और पिता की स्मारक के पास लेकर आता है और उनसे कहता है, मॉम डैड, आज मैं डियन को भी अपने साथ लेकर आया हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब डियन भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, वो मेरा ख्याल रख रहा है। डियन भी कहता है, मॉम डैड, हम दोनों जल्दी ही फू और माई को भी पिक करने वाले हैं, जिससे वो दोनों भी हमारे साथ रहें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सबका ख्याल रखने की, साथ में हमें आप दोनों के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। जियो कहता है, मॉम, टियन शायद वैसा नहीं होगा जैसा आपने इमेजिन किया होगा, बल्कि टियन उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि अगर आज आप जिंदा होती तो आप भी उसे बहुत पसंद करती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने लगते हैं, तभी कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे जो उनकी तरफ देखने लगते हैं। टियन तुरंत जियो से अपना हाथ हटा लेता है और आगे चला जाता है, पर जियो उसे फॉलो करता है और फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। जी उसे कहता है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। टियन को अभी भी लोगों का डर लग रहा था, तो जियो कहता है, तुम चिंता मत करो, लोगों को लग रहा होगा कि हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्हें नहीं पता कि हम कौन हैं। टियन वहाँ कपल्स को देखकर कहता है, पर मेरा सपना है कि एक दिन हमारे जैसे लोग भी इसी तरह हाथों में हाथ देकर लोगों के सामने चल सकें, हर किसी को प्यार करने का हक हो बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, कोई भी हमसे नफरत ना करे, कोई हमें एबनॉर्मल ना देखे, और जब वो दिन आएगा ना, तब हम सही मायने में इक्वल कहलाए जाएंगे। जी उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम यही मेरा इंतज़ार करो। दूसरी तरफ पिन और यांग भी उसी मार्केट में आए हुए थे। पिन यांग से कहती है, मैंने आज सुबह उस लड़की को चेक किया, उसकी तबीयत में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं है, हालांकि वो अब होश में है, डॉक्टर ने कहा है कि वो आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। यांग उससे कहता है, थैंक यू सो मच उसका ख्याल रखने के लिए। तभी यांग की नज़र जियो पर पड़ती है और वो पिन से कहता है, मैं बस अभी आता हूँ। वो जियो के पीछे भागने लगता है, वो उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, टियन कहाँ है, मुझे अभी के अभी बताओ। जियो उससे कहता है, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। यांग कहता है, मुझे पता है कि तुम माँ के भेजे हुए आदमी हो, तुम टियन को धोखा दे रहे हो ना, उससे दूर रहो। दोनों में लड़ाई होने लगती है। जियो उससे कहता है, मेरी पूरी बात सुनो, मैं टियन को प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। यांग कहता है, तुम झूठ कह रहे हो। दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है, पर जियो उसे चकमा देकर भागने लगता है। तभी पिन की नज़र टियन पर पड़ती है। वो टियन के पास आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो टियन, और तुम कहाँ थे अब तक, पता है घर में सब तुम्हें लेकर कितने ज़्यादा परेशान हैं, जियो ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। टियन कहता है, बिल्कुल नहीं पिन, जियो ने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत अच्छा है, वो मेरा ख्याल रख रहा है, क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल या पेन होगा। पिन उसे तुरंत एक पेंसिल निकाल कर दे देती है और टियन कहता है, मैं तुम्हें एक लेटर दूंगा, प्लीज़ यांग से कह देना कि वो इस लेटर को बुआ को दे दे। वो उसे लेटर देते हुए कहता है, मैं अभी वापस नहीं आ सकता और मेरी परवाह मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिन कहती है, पर जियो तुम्हें धोखा दे रहा है। इससे पहले कि पिन उसे बता पाती कि जियो माँ का आदमी है, यांग और जियो वहाँ भागी भागी आ रहे थे। जियो टियन से कहता है, टियन, तुम्हारा भाई मुझे फॉलो कर रहा है, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। टियन जल्दी से वो लेटर पिन को दे देता है। यांग टियन को देख लेता है और उसे आवाज़ देता है, पर जियो पिन को यांग की तरफ धक्का दे देता है और टियन को लेकर वहां से भाग जाता है। यांग कहता है, ये जियो टियन को ले कहां जा रहा है। तभी पिन कहती है, टियन ने मुझे ये लेटर दिया था। यांग उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, बुआ, कल मुझे मार्केट के पास वाले श्रीन में आकर मिलना, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यांग कहता है, जियो ने सच में टियन को कैप्चर कर लिया है, इसलिए वो मदद के लिए बुआ को खत लिख रहा है। पिन कहती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अभी टियन से काफ़ी लंबे समय तक बात की थी और उसकी बात से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो परेशान है, क्योंकि उसके पास इतना समय था, वो भाग सकता था। यांग, मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में एक अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है। यांग कहता है, तुम्हें इस बारे में पता चल गया। तो पिन कहती है, हाँ, मैं उन्हें देख कर ही बता सकती हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने मुझसे क्यों कहा था कि टियन मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। यांग उससे कहता है, पिन, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरे भाई को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। पिन उससे कहती है, मैं नहीं बताऊँगी। यांग कहता है, बचपन से आज तक मेरे भाई ने बहुत हार्ड टाइम देखा है, उसे ये सब कुछ छुपाना पड़ा था। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की, मैं उसकी मदद करना चाहता था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, पर उसने मुझे कभी नहीं बताया। अब मैं समझ सकता हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया और वो क्यों किसी को नहीं बता सकता।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसे लड़के पसंद है या लड़कियां, मेरे लिए हमेशा वो मेरा बेस्ट भाई रहेगा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पर इस दुनिया के लोग उसे नहीं समझते। मिस्टर मा जैसे लोग उसकी इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं और उसे लीडर की पोजीशन से हटाकर मिस्टर मा खुद वहां बैठना चाहता है, इसलिए उसने टियन को धोखा देने के लिए जियो को वहां भेजा। पेन कहती है पर हो सकता है जियो सच में टियन से प्यार करता हो। यांग कहता है नहीं, वो उसे धोखा ही दे रहा है। जियो टियन के पास आकर कहता है तुम क्या सोच रहे हो। तो टियन कहता है मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, फादर ने हमें ढूंढने के लिए अपने लोग भेजे जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया। जियो कहता है तुम उसकी परवाह मत करो। टियन कहता है थैंक यू वेरी मच जियो, पर तभी उसकी नज़र जियो के चोट के निशानों पर पड़ती है और वो उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि हम इस तरीके से जिंदगी भर रह पाएंगे, एक ना एक दिन तो मेरे फादर के लोग हमारे बारे में पता लगा ही लेंगे। जियो कहता है टियन अब मैं भीड़ वाले एरिया पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ टियन। पास्ट में मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ टियन, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। टियन मुस्कुराते हुए कहता है जियो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है जिससे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम शांति से जी सकेंगे, हमें किसी का डर नहीं होगा। यांग वो खत जाकर बुआ को दे देता है और ऐसा करते वक्त जिया उसे देख लेती है। जिया तुरंत ही बाहर जाकर ली को बताती है। जिया उनसे कहती है यांग और बुआ दोनों ही काफी सस्पिशियस दिख रहे थे। अगले दिन टियन जियो से कहता है मैं बुआ से मिलने के लिए अकेले ही जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे फादर ने मुझे फॉलो करने के लिए अपने लोगों को भेजा हो और वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास तक आ जाएं और तुम्हें वो हर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी और हम दोनों हमेशा साथ साथ रह सकेंगे। दूसरी तरफ माँ अपने लोगों के साथ आ रहा था, वो उनसे कहता है उस चाओ तोंग का टी हाउस पूरी तरीके से बर्बाद कर दो जिससे वो अगली बार मेरी खबर मिस्टर सोंग तक ना पहुंचा सके। तभी उसकी नजर जियो पर पड़ जाती है। टियन भी उसी शिरीन में आ जाता है जहाँ उसने बुआ को मिलने के लिए बुलाया। उसी वक्त बाहु सोंग से आकर कहता है हमें पता चल गया है कि जियो कहाँ छुपा हुआ है, एक फिशरमैन ने टियन और जियो की फोटोग्राफ को पहचान लिया है। जियो अपने घर का दरवाजा खोलता है तो माँ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। शिरीन में एक लेडी बैठी हुई थी जिसे टियन बुआ समझ लेता है और उससे कहता है यांग आपके साथ नहीं आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जियो के साथ रह रहा हूँ, उसने मुझे किडनैप नहीं किया है और ना ही वो मुझे हर्ट कर रहा है, मैंने खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ा है बुआ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मुझे लीडर की पोजीशन नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं मैन को पसंद करता हूँ बुआ, मैं एक गे हूँ, मैं जियो से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों कहीं और रहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी मदद करिए बुआ, प्लीज़ डैड से जाकर कह देना कि वो मुझे ढूंढना बंद कर दें क्योंकि मैं वापस नहीं आऊँगा। तभी वो लेडी अपना चेहरा टियन को दिखाती है, वो और कोई नहीं टियन की माँ ही थी। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।